मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 22 फरवरी 2021 वर्ग प्रथम से दसम वर्ग तक, विषय संस्कृत गीता पाठ, अध्याय 2, श्लोक नंबर 23। प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संवाद पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग पवित्र मन से इसको सुनिए और पढ़िए। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की जो अमृत वाणी है उसको आप लोग को सामने मैं अवगत करवा रहा हूँ। आज गीता पाठ के शुभ अवसर पर बहुत बहुत आप लोगों को हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। आप लोग इसको समझिए, शांति से समझने की कोशिश कीजिए। या अब मैं श्लोक पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अध्याय दो श्लोक नंबर 21 में और 22 में आत्मा के रहस्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण अपनी अमृत वाणी अर्जुन को सुनाए। अर्जुन ज्ञान हासिल किए। अब आत्मा का ही रहस्य आप लोग सुनिए। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदय अन्यतापो न शोषति मारुतः। एक बार आप सुनिए भाव में। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलेदन त्यापो ना सोसियति मारुतः। अब इसका आप लोग अर्थ सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे परम तप अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। आत्मा अजर और अमर है, आत्मा अविनाशी और सर्वव्यापी है। इस प्रकार से बच्चों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, गुप्त रहस्य को बतला रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अपने भाई बांधवों के प्रति मोह माया से ग्रसित थे, वे शोक से व्याकुल थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आत्मा के रहस्य को बारे में उन्हें समझाना पड़ा। और इसके पहले आप लोग श्लोक नंबर 22 को भी आप लोगों को बताए थे, जिसमें श्लोक था भाषांसि जीर्णानि तथा यथा विहाय नमानि ग्रवाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णायानि सन्यात्री नवानि देहि। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए भावे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानी ग्रहवाती
नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि सन्यात्री नवानि देहि। अर्थ सुनिए आप लोग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परमतप अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को ग्रहण करता है, को प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आत्मा के रहस्य को अर्जुन के समक्ष रखे, उन्हें ज्ञान दिए। इस प्रकार से आप लोग बच्चे हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, पवित्र मन से पढ़िए, अपने माता पिता और समस्त परिवार को, जो भी मिले उन्हें आत्मा के रहस्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी को लोगों को सुनाइए, श्रवण करने कीजिए। निश्चित रूप से आपको समय हर एक कामों में सफलता मिलेगी। आप जो भी काम सोचेंगे उसमें निपुणता आएगी। आपका सभी कार्य, मांगलिक कार्य परिपूर्ण होंगे। आप लोग हर एक कामों में विजयी होंगे। आप चरित्रवान बनेंगे। आपकी बुद्धि सबल होगी। आप महान व्यक्ति कहलाएंगे। इसलिए आप गीता पाठ प्रतिदिन पढ़िए, दो शब्द पढ़िए। विद्यालय जब भी आइए तो इसको पढ़ करके थोड़ा आइए। आप चरित्रवान अवश्य बन जाएंगे। विद्या में निपुणता अवश्य आएगी। इस प्रकार से आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।